आपको बता दूं, हरियाणा चुनाव के रुझानों को लेकर कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि चुनाव आयोग हरियाणा को लेकर आंकड़े जारी नहीं कर रहा। जयराम रमेश की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। जयराम रमेश, कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही है, कहते हुए कि हरियाणा के नंबर्स को लेकर चुनाव आयोग देरी कर रहा है। क्या किसी के इशारे पर इस तरीके की देरी चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है? कांग्रेस की तरफ से ये देरी जो आंकड़े जारी करने में की जा रही है, उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या बीजेपी प्रशासन सरकार पर प्रशासन जो है वो दबाव डाल रहा है? चुनाव आयोग के रुझानों में देरी क्यों? क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है? चुनाव आयोग के रुझानों में देरी की जा रही है, ये जयराम रमेश की तरफ से कहा जा रहा है। कांग्रेस सीधे सीधे कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर रही है। शाहनवाज हुसैन साहब, सुना आपने, जयराम रमेश कह रहे हैं कि बीजेपी प्रशासन पर दबाव डलवा रही है, इसी वजह से कहीं ना कहीं चुनाव आयोग नंबर जारी करने में ये देरी। प्लीज रिस्पॉन्ड बताइए। पूरी मीडिया है, आपके लोग हैं हर बूथ पर, क्योंकि हरियाणा में चुनाव हो रहा है, 90 विधानसभा है, तो हर जगह लोग मौजूद हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी से माहौल बना रही है, अरे आपको जनता ने वोट नहीं दिया तो आप चुनाव आयोग पे आ गए, फिर आप शाम तक ईवीएम पे आ जाएंगे। ये तो कांग्रेस की आदत है, जब जीत जाते हैं तो मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। यानी आपको अगर नतीजे सुबह तो बहुत जलेबी बांट रहे थे आप लोग, और अब तब चुनाव आयोग बड़ा अच्छा नज़र आ रहा था, और जब नतीजे आपके पक्ष में नहीं आए तो आप इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है। ठीक है, भरोसा कीजिए। ठीक है, चुनाव आयोग को ब्लेम करना ये सही नहीं है, आपको यकीन होना चाहिए। अगर आपको चुनाव आयोग पर यकीन ही नहीं है, आप चुनाव भी लड़ते हैं, चुनाव आयोग पर यकीन नहीं करते, जब जीत जाते हैं तो कहते हैं चुनाव आयोग बड़ा अच्छा है, हार जाते हैं तो चुनाव आयोग खराब है, ईवीएम ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों का खेल चल रहा है। मतलब हम हार रहे हैं तो फिर हम मानेंगे नहीं, नहीं दूसरे वाले ने चीटिंग कर ली, मतलब अंगूर खट्टे चल क्या रहा है। एक प्रक्रिया होती है और वहां पर जहां काउंटिंग हो रही होती है वहां सब पार्टी, सब जो उम्मीदवार होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर मौजूद होते हैं, ऐसे थोड़ी कोई धांधली हो रही है। किस तरीके का ये आरोप है, तो भ्रम फैलाने वाली बात हो गई। रागनी रोमाना, सवाल पूछने और इल्जाम लगाने में फर्क होता है। ओके भाई, उसके बीच की रेखा बारीक हो सकती है लेकिन मजबूत रेखा है। क्या कहा जयराम जी ने, लोकसभा नतीजों की तरह हरियाणा में भी चुनावी रुझानों को जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर क्या धीमे धीमे शेयर किया जा रहा है? क्या भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने की चेष्टा कर रही है? ये दोनों सवाल हैं। ओके, और ये सवाल पूछे गए हैं और इसमें टैग भी किया, ऐसा नहीं है कि हम हिट एंड रन कर रहे हैं। ये ईसीआई को टैग करके सवाल पूछा है कि देरी क्यों हो रही है, आप बताइए। और क्या देरी होने से प्रशासन का दबाव, प्रशासन पर दबाव भी पड़ सकता है? और मुझे लगता है ये वाजिब सवाल है लोकतंत्र में, ये भी नहीं पूछा जा सकता कि भाई देरी क्यों हो रही है, आप जल्दी नतीजे क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के रुझान फिर भी जल्दी तेजी के साथ आ रहे हैं। और अगर ये स्लो होता है प्रोसेस, तो क्या ये किसी तरीके का इंडिकेशन है कि एक डायरेक्शन में प्रशासन काम करे? भाई ये तो हमने देखा है कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग मोदी जी करते हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, कैसे विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाता है। तो भैया दूध का जला तो छांछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो हम तो वंस बिटन ट्वाइस शाय, हम तो सवाल पूछेंगे। और सवाल कभी भी लोकतंत्र को कमजोर नहीं करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। लेकिन उसमें यह कहना कि भाई कांग्रेस पार्टी तो अब सवाल भी नहीं पूछ सकती, अगर सवाल पूछ ले तो वो ईवीएम को लेकर आ गए, क्या ईवीएम पर हमने कोई टिप्पणी की है कि ईवीएम गलत थी या ईवीएम के नतीजे जो निकल कर आ रहे हैं गलत है? काउंटिंग का जो प्रोसेस है उसको लेकर सवाल पूछा, और मुझे लगता है ये बहुत ही जायज सवाल है। रुमाना, जायज सवाल वो कह रही हैं, शाहनवाज भाई वो कह रहे हैं जायज सवाल है, काउंटिंग को लेकर पूछा है, सवाल ही तो पूछा है, क्या हो गया, सवाल तो पूछेंगे लोकतंत्र में? नहीं देखिए, मशकूक होना, शक करना, इल्जाम आयद करना, भ्रम पैदा करना, संवैधानिक संस्थाओं से के ऊपर सवाल खड़ा करना, जयराम रमेश जी ने सवाल खड़ा ही तो किया है कि नतीजे स्लो क्यों आ रहे हैं। अरे रमेश साहब, इंतज़ार कीजिए ना, आपको एक जगह तो खुद रागनी जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सही आ रहे हैं, यहाँ स्लो आ रहे हैं, स्लो नहीं आ रहे, जम्मू कश्मीर में वोटिंग कम है, मतलब वहाँ वो जो वोट है यहाँ बहुत वोट है, सबको गिनने में राउंड बड़ा होता है, वो 16, 14 या 12 या 16 टेबल लगी होती है, ईवीएम होता है, और हर पार्टी का इलेक्शन एजेंट होता है, वो हर गिनती के बाद उसको नोट किया जाता है, उसके बाद शीट पे साइन होता है, फिर एआरओ के पास जाता है, वहाँ से वो
उसको डालते हैं वहाँ। लेकिन अभी से सवाल कांग्रेस को सीटें क्या 35 दिखने लगी है स्क्रीन पर, तो जब ज़्यादा सीट 70 तक चली गई थी तब तो आप जलेबी खा रहे थे, अब 35 पे सीट आ गई तब आप सवाल खड़े कर रहे हैं। आज जलेबी को आना ही आना होगा, आज जलेबी के बिना बात पूरी नहीं होगी, मतलब आज जलेबी के बिना बात पूरी नहीं होगी। लेकिन फिलहाल ये चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल पूछ रहे हैं जयराम रमेश कांग्रेस के नेता, ये बात की जलेबी बना रहे हैं या वाकई में ऐसा कुछ है कि थोड़ी सी डिले दिख रहा है यहाँ पर हरियाणा विधानसभा चुनाव, क्या कह रहा है चुनाव आयोग का आंकड़ा? देखिए 49 पे फिलहाल बीजेपी आ गई और 35 पे कांग्रेस आ गई, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातें करनी चाहिए आज के दिन। कांग्रेस को थोड़ा आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि अगर राहुल गांधी पेपर लीक का मुद्दा उठाएंगे संसद में और सरेआम इनके उम्मीदवार विधायक ये कहेंगे कि हमारे को हुड्डा साहब ने इतना कोटा दिया है, तो सिफारिश से नौकरी की खुलेआम बात करेंगे, तो ये आत्ममंथन का विषय है कांग्रेस के लिए। और एक बहुत बड़े वोट बैंक ने इसमें गलत मैसेज दिया है कि अगर इनकी सरकार आई तो फिर ऐसे ही नौकरियां बटेंगी, ये कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। इसके अलावा कुमारी सैलजा ने मुझे लगता है सेल्फ गोल कर दिए कांग्रेस ने इस चुनाव में, हरियाणा में कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर दिए, लगता यही है। हाँ। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का जो अति उत्साह था या जो मुद्दे थे, चाहे पर्ची खर्ची की बात थी चाहे दूसरे इश्यूज थे, उससे लगता है कि कांग्रेस ने खुद गोल कर लिया है और सैलजा वाला प्रकरण भी बड़ा भारी पड़ा है, भारी पड़ गया है, अंतरकलह कांग्रेस की भारी पड़ गई है, कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिए हैं, कांग्रेस के जो उम्मीदवार उनके जो बोल सामने निकल कर आए, खासतौर से वो भ्रष्टाचार वाले आरोप जो हैं वो और चस्पा कांग्रेस पार्टी पर हो गए हैं, और उसी का ये नतीजा कि देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव और बीजेपी जो है इस समय 49, मतलब वो जादुई आंकड़ा 46 वाला उसे पार करके बड़ी कंफर्टेबल पोजिशन में हरियाणा की सत्ता में दोबारा से कमल खिलता हुआ मजबूती के साथ बीजेपी वापसी करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 35 सीटों के साथ बीजेपी से बहुत पिछड़ती हुई नजर आ रही है, INLD के खाते में 1 सीट, अन्य के खाते में 5 सीटें, और कमोबेश अब क्योंकि 4 घंटे होते हुए नजर आ रहे हैं गिनती शुरू हुए, तो अब आप ये मानकर चल सकते हैं कि बहुत हद तक ये जो नंबर है वो अब इसी दिशा में कंसोलिडेट होते हुए नजर आएंगे, ऐसा जानकार मान रहे। फिलहाल बहुत शुक्रिया शाहनवाज भाई और रागिनी आप दोनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। जल्दी से जम्मू कश्मीर को लेकर भी मैं आपको एक बड़ा अपडेट दे देती हूँ। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन जो है वो सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर और साथ ही साथ जादुई आंकड़े को पार करते हुए 50 के पार इस समय मजबूती से खड़ा हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जो उम्मीदें थी उनको झटका लगा है, खासतौर से कश्मीर रीजन सिर्फ 1 सीट पर ही फिलहाल रुझानों में बीजेपी आगे है। और ये देखिए आंकड़ा आपके सामने, इंडिया गठबंधन 51, बीजेपी 26, कुल मिलाकर ये बड़ी तस्वीर जम्मू कश्मीर की। और वहीं हरियाणा कांग्रेस को जोर का झटका जोर से ही लगा है, कहां तो कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि अब की बार कांग्रेस हरियाणा की सत्ता में जोरदार तरीके से वापसी करेगी। 10 साल का इंतजार कांग्रेस का, सत्ता का सूखा 10 साल का वो खत्म होगा और वो भी बंपर जीत के साथ, लेकिन यहां पर कांग्रेस की सियासी फिल्म फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है और बीजेपी हरियाणा की सत्ता में हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 49, कांग्रेस 35, INLD 1, अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी हरियाणा के अंदर जो उसके मजबूत इलाके हैं जिसमें अहिरवाल बेल्ट से लेकर शहरी इलाके तक सब में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। और गौर कीजिए आप इस 49 वाले आंकड़े पर, 49, 2014 जब हरियाणा में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई थी तो भी बीजेपी का जो आंकड़ा था वो 47 पर ही पहुंचा था। इसके बाद 5 साल बाद 2019 जब विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी 40 पर आकर रुक गई थी और इस बार बीजेपी का आंकड़ा 50 पर।